इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक रूपों से पाइए छुटकारा आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मैया का विसर्जन करने जा रहे हैं ये लोग। माने सरस्वती मैया अगर पत्थर की और मिट्टी की मूर्ति ना होती तो वो भी शर्म के मारे पल्लू कर लेती कि बेटा बस करो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। माने इतना घटिया से घटिया गाना बजा है भाई साहब, इतना घटिया से घटिया गाना बजा है कि हम जग गए हैं। 11 बज गए हम, 10:30 बजे आज सोने की प्लान बना रहे थे, सो जाएंगे, लेकिन खिड़की चीर के ये आवाज एकदम डीजे एकदम अलग ही माहौल बनाए हुए हैं। सरस्वती मैया का विसर्जन करने जा रहे हैं श्रद्धालु भक्त लोग। बैकग्राउंड म्यूजिक आप लोग भी देख रहे हैं, कब से पता नहीं जनरेटर चालू कर, पता नहीं लाइट चालू कर, दिया बुता सब, पता नहीं क्या क्या सब लगा रखे हैं। तो हम तो उनको नहीं पीट सकते हैं, नहीं तो अगर मेरे गांव के होते हैं ना तो एक लाठी डंडा लेकर के तो हम जरूर दौड़ा लिए होते, भागो यहाँ से। पर आप लोगों को ये सारी चीजें करनी चाहिए। किस बात के पुरुष हैं भैया, किस बात का मर्द बनते हैं आप लोग? चार डंडा मारिए ऐसे सरस्वती मैया के श्रद्धालुओं को, चार डंडा मारिए ऐसे लोगों को, सब पी के रखे हुए हैं आप लोगों को पता है। चार चप्पल मारना रहता है इन लोगों के मुंह पे, बस होश में आ जाता सरस्वती मैया का पूजा कर रहे हैं। बड़का पुजेरी तो यही लोग हुए हैं, हम लोग तो पूजा उजा ही नहीं करते होंगे, हम लोग तो सरस्वती मैया को मानते ही नहीं होंगे। मैं तो महाराज 11 बज गए हैं तो हम जो है सोने की पूरा तैयारी कर रहे थे अभी। इनफैक्ट हम सो भी गए थे आधी अधूरी नींद में, पर तब तक सरस्वती मैया का विसर्जन करने जा रहे हैं श्रद्धालु भक्त लोग। बैकग्राउंड म्यूजिक आप लोग भी देख रहे हैं, कब से पता नहीं जनरेटर चालू कर, पता नहीं लाइट चालू कर, दिया बुता सब, पता नहीं क्या क्या सब लगा रखे हैं। और तो मैंने सोचा कि आप लोग भी जरा सुन लीजिए, ये भोजपुरी, ये बनारस का हाल है, ये भोजपुरी का हाल है। माने ठीक है अदर दिनों में तो भैया बजा ही रहे हो, काहे कि मान तो तुम लोग रहे नहीं हो, लेकिन सरस्वती मैया का विसर्जन करने जा रहे हैं ये लोग। माने सरस्वती मैया अगर पत्थर की और मिट्टी की मूर्ति ना होती तो वो भी शर्म के मारे पल्लू कर लेती कि बेटा बस करो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। माने इतना घटिया से घटिया गाना बजा है भाई साहब, इतना घटिया से घटिया गाना बजा है कि हम जग गए हैं। 11 बज गए हम, 10:30 बजे आज सोने की प्लान बना रहे थे, सो जाएंगे, लेकिन खिड़की चीर के ये आवाज एकदम डीजे एकदम अलग ही माहौल बनाए हुए हैं। तो नींद खराब हो गई, मैंने सोचा भैया जब नींद खराब हो ही गई है तो अकेले बैठ के क्या करें, आप लोगों से जुड़ते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि ये सरस्वती पूजा का विसर्जन कुछ इस कदर हो रहा है ये अपने बनारस में। नहीं शकील भाई, उन्हें उनका जश्न मनाने दो, आप ये कैसे कह सकते हैं? ये तो यही हुआ कि जिम्मेदारी से आप भागना चाहते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करना चाहते हैं, आप कह रहे हैं उन्हें एंजॉय करने दो ताकि आप आराम से आपकी नींद में जाओ भैया, ठीक है यहाँ ना वो दखल करो, जाओ कहीं और बजाओ। ये तो बहुत गलत बात है, आप लोग बड़े लोग हैं, मुझसे तो ज्यादा ही बड़े लोग हैं आप लोग, मतलब उम्र में भी बड़े हैं। तो आप लोगों को तो मुझे कहना चाहिए कि हाँ नेहा तुम एकदम मतलब सही कर रही हो, या फिर आप लोगों को तो ऐसे सरस्वती श्रद्धालुओं को तो चार लाठी मार के अपने घर से भगाना चाहिए। माने हम तो लड़की, हम तो हॉस्टल में रहते हैं, तो हमारा तो है कि भैया 9 बजे हॉस्टल बंद हो जाता है तो हम तो बाहर जा भी नहीं सकते, हमारा तो ये हाल है, हम लोग काफी कानून में रहते हैं, बस ये चीज आप लोगों को पता है नहीं है। आप लोगों को लगता है हाँ ये है वो, हॉस्टल में 9 बजे हमारा कमरा बंद हो जाता है, हमारा गेट बंद हो जाता है, ठीक है। और एक दिन तो हमको डांट भी दिए थे हमारे मालिक, इसलिए क्योंकि एक दो पत्रकार लोग अंदर आ गए थे, मुझे बहुत आइडिया नहीं था क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था कि मैं मतलब घर पे थी तो घर पे आ जाते थे मीडिया के लोग, पर अब मुझे आइडिया नहीं था।
मतलब ये मेरी गलती थी, मैंने उनसे सॉरी भी बोला कि यार एकदम सही बात है, कोई भी ऐसे कैसे आ सकते, मतलब पुरुष अलाउ ही नहीं है कि बिल्कुल उस परिसर में आ ही नहीं सकते। एक है कि हाँ भैया गेट के बाहर ही, मतलब गार्जियन भी मिलते हैं तो गेट के बाहर ही मिलते हैं, वो अंदर नहीं आते हैं, या फिर बहुत ऐसे पापा हैं तो अंदर बैठ गए, एक चेयर है बस वही है और कुछ नहीं है, तो हम तो उनको नहीं पीट सकते हैं। नहीं तो अगर मेरे गांव के होते हैं ना तो एक लाठी डंडा लेकर के तो हम जरूर दौड़ा लिए होते तो भागो यहां से। पर आप लोगों को ये सारी चीजें करनी चाहिए। किस बात के पुरुष हैं भैया, किस बात का मर्द बनते हैं आप लोग? चार डंडा मारिए ऐसे सरस्वती मैया के श्रद्धालुओं को, चार डंडा मारिए ऐसे लोगों को, सब पी के रखे हुए हैं आप लोगों को पता है। भागना है अगर जिम्मेदारियों से तो वो अलग ही चीज है। कई लोग यहाँ पे हैप्पी रोज डे मना रहे हैं, मारे लिखे पड़े हैं, लिखे पड़े हैं भैया। अरे नहीं महाराज, हम महान वहान महिला नहीं है, ठीक है, महान महिला हम नहीं है, बस हम बात जो हमको हमको लगता है वो हम कह देते हैं। मैंने हम गाने के माध्यम से भी बहुत बड़का ऐसे लपेट के तो कोई बात कहते नहीं है, मैंने जो देखा मैंने वो कहा। जैसे अब ये देखिए ये सब इतना ये सब गंध मचाए हुए हैं कि ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। पता नहीं आप लड़के हैं शायद आपको अच्छा लगता होगा कि हाँ चलो बड़ा एक लड़की के ऊपर कमेंट करके गाना गाया जा रहा है। इतना भद्दा भद्दा गाना बज रहा है भाई साहब, इतना भद्दा भद्दा गाना बज रहा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लेकिन मैं तो अभी भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं पीजी में हूँ, मैं हॉस्टल में हूँ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऊपर से नीचे लड़कियां ही लड़कियां हैं। अदरवाइज पिछले साल क्या हुआ था कि मैं अपने घर पे थी, अपने गांव में थी, मेरा भाई आया हुआ था, मेरे पिताजी थे और बगल में सरस्वती मैया का पूजा का मन वो मूर्ति वगैरह रखे हुए थे। तीन दिन लगातार एक से बढ़ के एक भद्दे गाने बज रहे हैं भाई साहब। पप्पा मेरी शक्ल देख नहीं पा रहे, भैया मेरी नहीं देख पा रहे, मैं भैया और पप्पा की नहीं देख पा रही हूँ। मतलब समझ पा रहे हो ना, एकदम कान में कानों को चीरते हुए आवाज जा रही है आपके अंदर, तो एकदम अलग ही माहौल बना हुआ था। सोचा भाई सब क्या चल रहा है। अब क्या है कि हम तो भैया ढेला मार देते हैं उन लोगों के साउंड बॉक्स पे, पर वही है कि थोड़ा पप्पा लोगों से भी डर लगता है। पप्पा को लगता है कि क्यों फर्जी में किसी से दुश्मनी ले रही हो। मैं कहता हूं यार तुम लोग पुरुष हो, तुम लोगों को चाहिए इन लोगों को डिमोरलाइज करना, चार चप्पल मारना रहता है इन लोगों के मुंह पे, बस होश में आ जाता सरस्वती मैया का पूजा कर रहे हैं। बड़का पुजेरी तो यही लोग हुए हैं, हम लोग तो पूजा उजा ही नहीं करते होंगे, हम लोग तो सरस्वती मैया को मानते ही नहीं होंगे। अब यही लोग मूर्ति रख लेंगे, अब मूर्ति रख के चंदा बटोर के पहले मूर्ति रखेंगे और चंदे के पैसा से दारू खरीदेंगे। पूरी प्लानिंग हो रही है कि चंदा का पैसा कहतना दारू खरीदे के बाद, अब प्रसादी का नाम पे है तनी लचीदाना है तनी चूरा, अब वह जे आवा बस है तेरे नाम करके दिया जाता, आ नहीं हुई में एका दूगो बैर केला अमरूद कुछ वैसे ही डाल के ऐसे मिस के लो भैया। हम आज तक जितने अपने भी गांव की मैं बात बता रही हूँ और भी हम बहुत जगह ऐसे सरस्वती मैया का पंडाल घूमने हम गए हुए हैं, मैंने हम बहुत कम जगह देखे हैं कि सही ढंग से प्रसाद रखा गया। हमारे पैसा के नाम पर रोज बांस का वो का पता नहीं कैसे करके, मैं तो देख रही हूँ आजकल छोटे छोटे बच्चे भी ये बांस लगा देते हैं पुल के पास में, ऐसे करके बांस लगा देते हैं और गाड़ी रोक देते हैं। बाइक वाले हैं तो भैया चलो 20 रुपया दे दो, और फोर व्हीलर से हैं तो भैया 100 रुपया 200 रुपया चाहिए, साइकिल वालों से 5-4 रुपया भी चलेगा, और पैदल वाले तो 2 थप्पड़ मारते भाग ऐसे करके चलता है। तो इन लोगों का तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और ये कोई भक्त वक्त नहीं है, ये सब फर्जी भक्त हैं।